किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप लोग किसी रास्ते को चल रहे हैं और उस रास्ते पर आपके सामने मुसीबत नहीं आ रही है तो असल में वो आपका सच्चाई का रास्ता कभी नहीं हो सकता है। आज के समय में आप लोग देख लीजिए, पत्रकारों को लेकर अगर आप सरकार से हाँ में हाँ मिला रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर सरकार की गुलामी में आप लोग पूरी ताकत झोंपे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपके हाथ दोनों हाथों में लड्डू हैं। और अगर आप लोग सरकार के खिलाफ जाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो आपके आपके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की विभिन्न एजेंसियों का दबाव डाला जाएगा, आपके परिवार को परेशान किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई पत्रकार अभी भी हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। 2014 के पहले जाइए आप लोग, तब भी पूछते थे, और 2014 के बाद से जब सरकार बदली तब भी पूछे जा रहे हैं उनके साथ। और इन्हीं में से एक नाम आता है अभिसार शर्मा, और आप देखिए कि इनके परिवार को देख लीजिए, इनको सरकार के द्वारा काफी टॉर्चर किया गया, फिर भी इन्होंने अपना पत्रकारिता का जो धर्म है उसे नहीं छोड़ा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय मूल्यांकन होगा कि हम सही थे, आप सही थे। आज आप या हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सही है, सही का मूल्यांकन तो आने वाले इतिहास में ही होता है। एक उदाहरण आपको दे देता हूं, आप सभी लोग सिंधिया के बारे में सुनते हैं, आप सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं। देखिए, उस समय अंग्रेजों का राज था, और आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई को कितना प्रताड़ित किया जा रहा था, आप देखिए उन्हें किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा था, उल्टा सीधा बोला जा रहा था, और सिंधिया को पुरस्कार दिए जा रहे थे। लेकिन आज आप देखते हैं कि जब इतिहास लिखा गया है तो आज उलट गया है। आप सभी को मालूम है कि हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की एक तरह से सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ सिंधिया को आप देखें, अगर स्पेशल बुक उठा के देखते हैं इतिहास की, तो साफ लिखा हुआ है कि भारत का गद्दार था सिंधिया। तो आप समझ सकते हैं, चलिए ये उदाहरण छोड़ दीजिए आप लोग, हो सकता है कई लोगों को इससे आपत्ति हो। एक उदाहरण और आपको देता हूं, आप सभी लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में सुना होगा, और हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, आज के समय में उन्हें सम्मान देते हैं। उस समय आपको पता है अंग्रेजों के समय ने कौन कौन से शब्दों से नवाजा जाता था, आतंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं कौन कौन से इस तरह के शब्द दिए जाते थे उन्हें, उन्हें इतनी प्रताड़ना दी जाती थी, आप देखिए फांसी तक पर चढ़ा दिया गया, जिनके खेलने खाने की उम्र थी उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन आज समय उलट गया है, जो उस समय अंग्रेजों के भक्त थे उन्हें आप देखिए इतिहास में कभी जगह नहीं मिली है कहीं भी। तो ये हाल है हमारे कर्मों का, और इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी हो सकती है किसी की 150 साल जी जाए, 150 साल जिंदगी हो, और कोई 50 साल में, या फिर 20, 25, 30 साल में खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 30 साल वाले के कर्म की वजह से उसे याद रखा जाता है, उसे इतिहास में हम लोग पूछते हैं, और जो 100 साल जीता है, 150 साल जीता है, उसका नाम निशान नहीं देखने को मिलेगा, उसके परिवार वाले ही उसका नाम लेने से बचने लगते हैं। तो यह है सच्चाई की जीत। कहते हैं कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हजार तरह की मुसीबतें आएंगी, हजार तरह की समस्याओं से आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपकी ही जीत होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ जिसका भी टिकट मतलब एक तरह से आया हुआ है उसका टिकट कन्फर्म है, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए कि ये हमारी धरती है या हम यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। तो आप लोग सामने स्क्रीन पर आप अपनी अभिसार शर्मा को देख भी रहे होंगे, अगर पत्रकारिता की बात करें तो आप देखिए इनका नाम जुड़ना ईमानदार पत्रकारों में अच्छी बात है, और इनके नाम की बात करें तो अभिसार शर्मा इनका नाम है, और जन्म तिथि की बात करें तो 13 अगस्त 1972 को इनका जन्म होता है। 1971 आप लोगों को याद है, 1971 में पाकिस्तान ने हम लोगों से एक तरह से आप सोचिए पंगा लिया हुआ था, और भारत ने दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, एक नया देश उभर के आया था बांग्लादेश। तो 1972 में इनका जन्म होता है, और नई दिल्ली भारत में इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी की बात करें तो सुमाना सेन आयकर अधिकारी इनकी पत्नी है, और अभी कहीं मैं इंटरव्यू इनका पढ़ रहा था तो आप देखेंगे इन्हें काफी इनकी पत्नी को भी परेशान किया गया। और इनकी शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इनकी शुरुआती शिक्षा होती है।
महाविद्यालय की बात करें तो भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अपनी आगे की शिक्षा लेते हैं। अगर हम लोग शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया हुआ है। अब आप देखिए, आप पत्रकार हैं तो आप लोगों को पत्रकारिता की पढ़ाई तो करनी होगी ना। और इन्होंने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है और बीबीसी केमिकल और जैविक विकिरण पाठ्यक्रम से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो आप सभी जानते हैं ये पत्रकार हैं। क्या हैं? पत्रकार हैं। और अभिषाद शर्मा की अगर हम लोग सफर की बात करें कि किस तरह से इनकी जो भी पत्रकारिता का सफर है शुरू होता है, तो जब ये डिप्लोमा करने के बाद वह हिंदुस्तान टाइम्स और ऑल इंडिया रेडियो में प्रशिक्षक के रूप में फ्रीलांस स्वतंत्र कार्य करते थे। तो शुरुआती सफर इनका यहाँ से शुरू होता है। फिर आप देखेंगे 1995 में अभिषेक ने भारत की पहली स्वतंत्र समाचार और वर्तमान मामलों की पत्रिका न्यूज ट्रैक से एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में कार्य करना आरंभ किया। किसने? अभिसार शर्मा ने। फिर आप देखेंगे 1996 में उन्होंने BAG फिल्मों में एक सहायक निर्माता के रूप में काम करना शुरू किया, जहां प्रोडक्शन हाउस कई टेलीविजन चैनलों के लिए मनोरंजन समाचार और वर्तमान मामलों के कार्यक्रम के निर्माण का कार्य करता है। फिर आप देखेंगे 1990 में वह लंदन स्थित बीबीसी ब्रूस हाउस में तब शामिल हुए जब उन्होंने 5 समाचारों का निर्माण किया और वर्तमान मामलों पर आधारित कार्यक्रम जो दिन में अलग अलग समय पर प्रसारित होते थे और साप्ताहिक विज्ञान और विकास कार्यक्रम को इन्होंने किया। उसके बाद आप देखेंगे सन 2001 में वह बीबीसी दिल्ली ब्यूरो में शामिल हो जाते हैं और जहां उनका कार्यक्षेत्र से बाहर जाना और समाचार एकत्रित करना काम था इनका। तो आप देखते हैं कि जब आप लोग बहुत नीचे से ऊपर तक उठते हैं तो उस काम की आप लोग कदर भी करते हैं। 2003 से लेकर 2007 तक अभिसार ने NDTV के साथ एक एंकर और एक पत्रकार के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कवर किया, जिसमें सबसे प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी की चीन, रूस, बांग्लादेश की यात्रा थी। तो NDTV में भी ये लोग काम कर चुके हैं। और अभी तो आपने देखा है, रवीश कुमार तो अभी उसमें बने ही हुए हैं, समझ रहे हैं? उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है। और याद रखिए, सीरीज आपके पत्रकारों की चल रही है। देश के जो नामी एक तरह से जो भी पत्रकार हैं, सरकार के पक्षधार हों या सरकार के विपक्षधार, जो भी आपको समझना हो, सबकी बात की जा रही है। और जीवनी बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसमें सभी मिल जाएंगे आपको। NDTV के साथ उन्होंने गुस्ताखी माफ नामक कार्यक्रम किया, जो एक राजनीतिक व्यंग्य कार्यक्रम था। फिर आप देखेंगे 2007 में अभिसार टीवी टुडे नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद दिसंबर 2012 में वह मीडिया कंपनी में उप संपादक के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। और फिर आप देखेंगे 2008 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका अदा करने के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो आप लोग पुरस्कृत भी होंगे। फरवरी और जुलाई 2013 के बीच जी नेटवर्क में एक संपादक के रूप में काम करने के बाद वह उसी वर्ष अगस्त 2003 में ABP में न्यूज में शामिल हो गए, और जहां वह अब तक काम कर रहे थे, लेकिन आपने देखा है कुछ समय पहले वो निकल चुके इसमें। फिर आप देखेंगे जून 2017 में उन्हें ऑपरेशन लाल जंगल मानव अधिकारों पर 2016 पर आधारित कार्यक्रम को सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए रेड इंक ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है इनके काम के लिए। और अभी आप देखिए कि अभी भी आप लोग सुनते रहते होंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप देखते रहते होंगे इन्हें। इन्हें अगर हम लोग सम्मान और अवार्ड की बात करें तो 2008 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका अदा करने के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार दिया गया था। उन्हें जून 2017 में उन्हें ऑपरेशन लाल जंगल मानव अधिकारों पर 2016 आधारित कार्यक्रम को सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए रेड इंक ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था। फिर आपने सुना होगा 2021 की ही बात है, साहित्यिक सामाजिक सरोकारों का समर्पित संस्था संवाद शीर्षा द्वारा छत्रपति सम्मान 2021 विख्यात पत्रकार अभिसार शर्मा को दिया गया है। हाल में ही दिया गया है, ठीक है? अब देखिए, अगर आप लोग पत्रकार हैं या और कोई किसी भी तरह के व्यक्ति हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपसे विवादों का जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपके प्रशंसक भी होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं, तो इनसे विवाद भी जुड़ा है। जिस IRS अफसर SK श्रीवास्तव ने NDTV की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ा था,
उसे पागल घोषित करने से लेकर बदनाम करने और प्रताड़ित करने के आरोप पत्रकार अभिसार शर्मा और उनकी IRS पत्नी सुमाना सेन पर लगे थे। और CBI की प्राथमिक जांच में यह पता चला कि अभिसार शर्मा की पत्नी सुमाना सेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और जिसके चलते अभिसार और सुमाना ने बिना हिसाब किताब की करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। ये इन पर एक विवाद भी इनसे काफी जुड़ा रहा है। तो ये कहानी रही है अभिसार शर्मा की, ठीक है। और भी बताइए आप लोग, कोई पत्रकार अगर बचता है तो उसके बारे में भी हम लोग कवर कर लेंगे, वरना एक एक करके हम लोग सभी पत्रकारों को देखेंगे देश के जो भी हैं, ठीक है।